हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस डेटा वेयरहाउस डेटा माइनिंग सीरीज। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज हम के मेडॉइड देखने वाले। तो भाई, ये जो के मेडॉइड सम है, आज उसका एग्जांपल पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो के मेडॉइड समझने के पहले, थोड़ा सम सॉल्व करने के पहले के मेडॉइड क्या होता है देख लेते। तो के मेडॉइड भी एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ही है, आपने के मीन देखा होगा, तो उसी तरह से के मेडॉइड के मीन का थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है। तो सवाल आता है, मेडॉइड का मतलब क्या होता है? मेडॉइड का मतलब होता है सबसे लीस्ट डिससिमिलर ऑब्जेक्ट। लीस्ट डिसिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब कम से कम, वो सबसे कम से कम डिसिमिलर है। इसका उल्टा अगर मैं बरोबर बोलूं तो इसका इन्होंने अलग गलत वर्ड दिया है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा गुलाम हुआ। लीस्ट डिसिमिलर बोलो तो मोस्ट सिमिलर, समझ रहे हो? तो लीस्ट डिसिमिलर का मतलब होता है मोस्ट सिमिलर। तो ये कहना चाहता है कि मेडॉइड वो होता है जो सबसे ज्यादा गुला मिला होता है और जिसके बेस पे हम क्लस्टरिंग बना सकते। तो के मीन में कैसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम शुरू रैंडम से करेंगे और फिर कुछ मेडॉइड बनाएंगे जिनके बेस पे हम क्लस्टरिंग करेंगे। तो के मेडॉइड का मेन काम यही है, क्या काम है? क्लस्टरिंग करना, ठीक है। बस के मीन का तरीका कुछ अलग था, के मेडॉइड का कुछ तरीका अलग है। तो चलो देखते के मेडॉइड का सम। तो जैसा आप देख सकते हो, ऐसा कुछ गिवन एग्जांपल है के मेडॉइड गिवन। तो आपको सम इस तरह से आएगा कि आपको x1 से x10 तक दिया रहेगा, ये i x y नहीं दिया रहेगा, ये तो मैंने अपने रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, और दो सेट्स दिए रहेंगे, ठीक है। और कहा रहेगा k इज इक्वल टू t, फाइंड द क्लस्टर्स विद द हेल्प ऑफ के मेडॉइड एग्जांपल। तो जब इस तरह से, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो रैंडम मेडॉइड उठाने। क्या करना है? दो रैंडम मेडॉइड उठाने। तो मेडॉइड क्या होता है? कोई भी सेट उठा लो दो, क्योंकि के टू दिया, थ्री होता तो तीन उठाते थे, लेकिन अब के टू दिया है तो टू रैंडम मेडॉइड उठाने। तो वी सिलेक्ट टू रैंडम रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट, तो कोई भी ले सकते हो। मैंने थ्री और फोर लिया है और सेवन और फोर, थ्री और फोर लिया है और सेवन और फोर लिया है। तो पहले को मैंने सी वन नाम दिया, दूसरे को सी टू। तो थ्री और फोर कौन सा है मेरा? थ्री और फोर एक्स टू है। सेवन और फोर कौन सा है? ये वाला, तो कौन सा है? एक्स एट है। तो अब मुझे क्या करना है, इनके बेस पे क्लस्टरिंग करनी है। तो इन दोनों को, इन सबसे कंपेयर करके, सबसे पहले मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इनका मिनिमम डिस्टेंस, और उसी तरह से इसका भी मिनिमम डिस्टेंस निकाल के इन दोनों का क्लस्टर बनाने। तो सवाल आता है कि सुमेर इसके क्लस्टर बनाते कैसे? तो सबसे पहले 3,4 का एक पूरा टेबल बनाएंगे, उसके बाद 7,4 का बनाएंगे, और फिर इस दोनों के बेस पे इन दोनों के क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दो रैंडम मेडॉइड उठाने और उनके बाद उनके बेस पे उनके क्लस्टर बनाने। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3,4 का क्लस्टर किस तरह, मतलब किस तरह से टेबल बनाते। तो जैसा तुम देख सकते हो, इस तरह से कुछ टेबल आएगा। तो अब आते हैं सवाल कि इसको बनाना कैसे। बहुत इजी है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 3,4 है ना, जो भी दोनों आपने नंबर लिए है, दो सेट लिए है, उनको आपके गिवन सेट से उड़ा दो। फॉर एग्जाम्पल 3,4 कौन सा था? 3,4 था मेरा एक्स टू, तो मैंने इसमें से एक्स टू को निकाल दिया। और 7,4 कौन सा था? एक्स एट था, तो उसको भी निकाल दिया। उसके अलावा जितने भी नंबर है उनको एज इट इज यहाँ पे लिख दो। तो जैसा आप देख सकते हो, एक्स वन एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स नाइन और एक्स टेन है। सेवन के बाद एट नहीं है और टू के बाद, मतलब वन के बाद टू नहीं है। तो वो दोनों जो मैंने मेडॉइड लिए थे उनको हटा के मैंने बाकी एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करना है, सी वन लेना है, जो मेरा पहला जिसको मैंने मेडॉइड लिया था, उसको इधर लिख के उनको पूरे के पूरे बाजू में लिख देना है, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4। अभी मैं अटेंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला है, उससे आपको क्या करना है, डिस्टेंस यानी कॉस्ट निकालनी है। तो आप सवाल आता है, सुमेर मैन अटेंड डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? भाई एकदम सिंपल है, समझो ये दोनों मेरा ए बी है और ये दोनों मेरा सी डी है। तो ए बी एंड सी डी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी, मॉड ऑफ ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ टू माइनस थ्री प्लस 6-4। तो आप बोलोगे यार कब तक ये फॉर्मूला करते जाऊंगा, तो भाई कुछ नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता दो। सबसे पहले इसको एज इट इज पहले वाले में लिख दो, ये दोनों अलग कॉलम नहीं है भाई, ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिखा हो, दोनों सेम ही है। सी का मतलब ये कॉस्ट की वैल्यू है, तो ये इक्वल टू है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, 2-3 मॉड प्लस 6-4 मॉड। तो 2-3 क्या होता है, 2-3 होता है -1, क्या होता है -1, लेकिन ये मॉड में तो क्या हो गया +1, ठीक है, प्लस 6-4 क्या होता है 2। तो इसको मॉड से बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1, तो 1+2 कितना होता है 3। अब आपको क्या करना है, पहली बार में आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ना, डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना मैं ये बताता हूं। कुछ नहीं करने का, क्या पता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दो सिर्फ। 3-3 कितना होता है 0, प्लस 8-4 कितना होता है 4, तो 4 डायरेक्ट बाहर आ रहा है, क्योंकि क्या मॉड में तो अगर माइनस भी रहा तो मॉड से बाहर निकल के डायरेक्ट प्लस ही होने वाला है। तो अपने को ये दिखाना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है,
4 माइनस 3 कितना होता है 1, 7 माइनस 4 कितना होता है 3, 4। आप इक्वल टू लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। 6 माइनस 3 कितना होता है 3, प्लस 4 माइनस 2, देखो 2 माइनस 4 माइनस 2 था, लेकिन अपने को क्या करना है, मॉड से निकलने का प्लस ही होना है, तो आपको क्या करना है, बड़े से छोटा माइनस कर देने का, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो आंसर इज 5। उसी तरह से 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 4 0। उसी तरह से 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 1 5। उसी तरह से 8 माइनस 3 5 और 5 माइनस 4 1 तो 6, 7 माइनस 3 4 और 6 माइनस 4 2 तो 6। तो इसी तरह से मैंने मेरे कॉस्ट निकाल दिए, कुछ नहीं करना है, बड़े माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, समझ रहे हो, और डायरेक्ट उनको ऐड कर दो, डायरेक्ट लिख दो। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, आपको बड़े माइनस छोटे करके कॉस्ट निकालनी है। ये दोनों अलग कॉलम नहीं है, सेम ही कॉलम है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए ताकि अच्छे से आपको समझे, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ये दोनों एक ही है, तो डायरेक्ट इक्वल टू डाल के सारी वैल्यू लिख देना। एक बार आपने 3.4 का कर दिया, विजिबल है हाँ, एक बार आपने 3.4 का कर दिया, तो उसी तरह से अभी हमें क्या करना है, 7.4 का भी डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, 7.4 का भी ये कॉस्ट निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी 7.4 का निकालते हैं। तो अब अगर 7.4, तो 7.4 को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा पहले जो किया वही करना है। सबसे पहले तो ये नंबर एज इट इज लिख देना है, वहां पे 3.4 लिखा था, यहाँ पे क्या करना है, C2 ऊपर लिखना है और 7.4 पूरे में लिख देना है। बाकी मेथड वही है, सिर्फ पहले में मैंने जो हैमिल्टन वो जो अपना मैनहट्टन फॉर्मूला था वो लगाया था, 2 माइनस 7 मॉड प्लस 6 माइनस 4 मॉड, इसका मतलब कुछ नहीं, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, प्लस 6 माइनस 4 कितना होता है 2, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, समझ रहे हो क्या। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। अब आ जाते हैं अपना अपना वाला फॉर्मूला, मैनहट्टन नाम का है, क्या बड़े माइनस छोटा, तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4, प्लस 8 माइनस 4 कितना होता है 4, 8 आ गया। उसी तरह से 7 माइनस 4 कितना होता है 3, प्लस 7 माइनस 4 कितना होता है 3, 6 आ गया। 7 माइनस 6 कितना होता है 1, और 4 माइनस 2 कितना होता है 4 माइनस 2 2 होता है ना, कभी कभी होता है। 7 माइनस 6 कितना होता है 1, प्लस 4 माइनस 4 कितना होता है 0, तो 1। उसी तरह से 7 माइनस 7 कितना होता है 0, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो 1। उसी तरह से 8 माइनस 7 कितना होता है 1, प्लस 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो आया 1। उसी तरह से 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 4 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने दोनों के कॉस्ट निकाल दिए, हमने क्या किया दोनों के कॉस्ट निकाल दिए। हाँ, तो जैसा तुम देख सकते हो हमने भाई कॉस्ट 7.4 का भी निकाल दिया, 3.4 का भी निकाल दिया। अब यहां पे कुछ लिखा है उसको पढ़ते, अपने वो मेन मोटिव क्या है, हमें क्लस्टरिंग करना है। तो क्या लिखा है, कंपेयर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट C1 एंड कॉस्ट C2 फॉर एवरी आई एंड सिलेक्ट द मिनिमम वन। इसका मतलब क्या है, अरे बहुत चिंदी है, क्या करना है, दोनों के जो कॉस्ट आपने निकाले ना उन दोनों को कंपेयर करके मिनिमम कौन सा है उनको सिलेक्ट करना है। ये मेरा 3.4 का कॉस्ट है और ये मेरा जो नीचे वाला है वो 7.4 को है, तो इन दोनों के कॉस्ट कंपेयर करने, क्या करना है, कॉस्ट कंपेयर करने। तो चलो कंपेयर कर दे, 3 और 7 पहला वाला, 3 और 7 में छोटा कौन सा है 3 है, सर्कल कर दो। 4 और 8 में 4 है, 4 और 6 में 4 है, 5 और 3 में ये, 3 और 1 में ये, 5 और 1 में ये, 6 और 2 में ये, और 6 और 2 में ये। तो एक बार आपने क्या किया, जो इधर लिखा था वो हमने कर दिया, क्या लिखा था, कंपेयर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट C1 एंड कॉस्ट C2 फॉर एवरी आई, मतलब एक एक के लिए सिलेक्ट करना था, एंड सिलेक्ट द मिनिमम वन, तो वो हमने कर दिया, जैसा तुम देख सकते हो मैंने कर दिया। और यही चीज मेन इंपॉर्टेंट थी आपके क्लस्टर बनाने के लिए। तो अब आप पूछोगे सुमेर इससे अपने क्लस्टर कैसे बने, तो चलो देखते। तो भाई एक बार जैसे ही आपने मिनिमम निकाल लेना तो आपके क्लस्टर रेडी हो गए। क्यों, मैं कैसे, मैं बताता हूं भाई, ये 3.4 का टेबल था, इसमें मेरे को कितनी चीजें मिनिमम मिली, 3। तो इनके जो अल्टरनेटिव नंबर कौन से थे, 2.6, 3.8 और 4.7, यही 3 नंबर थे। तो इसका बन गया क्लस्टर भाई, क्या बन गया अपना क्लस्टर रेडी है। तो जैसा आप देख सकते हो स्टेप टू क्या, क्लस्टर्स आर 2.6 क्लस्टर 1, 3.8, 4.7 और 3.4 जो मैं खुद नंबर था उसको भी लिख दिया। अब सेकंड क्लस्टर क्या होगा, सेकंड क्लस्टर है मेरा 7.4 वाले का, तो 7.4 में ये सारी वैल्यू सिलेक्ट हुई थी टेबल में, तो 3, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, 3 का बाजू वाला नंबर है 6.2। उसी तरह से 1 का है 6.4, ये 1 का है 7.3, 8.5, 7.6। तो जैसा तुम देख सकते हो
पहले मैंने खुद को लिख लिया 7.4 का ये टेबल था, तो 7.4, 6.2, 6.4, 7.3, 8.5 एंड 7.6, तो यहां बन गए मेरे क्लस्टर। क्या बन गए? क्लस्टर। तो एक बार आपने क्लस्टर बना लिए, अब आ जाता है स्टेप टोटल कॉस्ट निकालने का। अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट। जो दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है लेकिन लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना 10 सेकंड का काम नहीं है आपके लिए। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कुछ नहीं है, टोटल कॉस्ट एक्स कॉमा सी इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई 1 से डी एक्स माइनस सी। तो ये सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद करोगे तो भी ज्यादा अच्छा, सिर्फ लिखने के लिए। लेकिन टोटल कॉस्ट का ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकलना है और अपने क्लस्टर से ऐसा बनाना है। क्या बनाना बताता हूं, कॉस्ट इज इक्वल टू 3.4 था ना, तो 3.4 को सबसे मिलाओ, 3.4 2.6, 3.4 3.8, तो 3.4 3.8, 3.4 4.7, 3.4 4.7, अभी 7.4 था तो उनको भी सबसे मिलाओ, 7.4 6.2, तो किधर था 7.4 6.2, ठीक है 7.4 6.5, तो 7.4 6.5 तो है नहीं क्या, तो 7.4 6.2, 7.4 6.2, 7.4 6.4, 7.4 6.4, 7.4 7.3, तो 7.4 7.3, 7.4 7.85, तो 8.5, तो 7.4 और 8.5, 7.4 और 7.6, तो उन सबको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिख लिए। तो आप पूछेंगे उसे मेरे से कॉस्ट क्या निकालना है, तो भाई कॉस्ट कुछ नहीं निकालना है, एक बात बताओ कुछ नहीं निकालना, आपने पहले से निकाला हुआ है। वो क्या, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ, तो जैसे तुम देख सकते हो कॉस्ट ऑफ 3.4 एंड 2.6 निकालना है, जो आपने पहले से निकाला है। 3.4 और 2.6 का कॉस्ट क्या है, 3 है, तो वो मैंने पहले से निकाला है। तो जो भी आपके मिनिमम नंबर मिले ना, 3, 4, 4 और वो दूसरा कौन सा था, 3, 1, 1, 2, 2, उनको ऐड करना, और कुछ नहीं करना, जो आपने पहले से निकाले हुए उनके ही वैल्यू ऐड करने, समझे। तो वो मैं लास्ट में ऐड कर देता हूं, तो 3, विजिबल है, हाँ विजिबल है, 3, 4, 4 पहले क्लस्टर के मैंने ऐड किए, दूसरा 3, 1, 1, 2, 2 दूसरे क्लस्टर के ऐड किए, टोटल मैंने निकाला कॉस्ट 20, कितना आया 20। तो ये था मेरा फर्स्ट टू स्टेप। तो अभी गेम में ट्विस्ट आएगा, तो अब मुझे क्या करना है, अब तो वो तो दो अपन ने जो नंबर लिए थे, मैंने क्लस्टर बन गया, मेरा टोटल कॉस्ट निकाल दिया, तो यहां तक तो अपना आधा सम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये बताता हूं, अब अपने को क्या करना है, अब हमें ना जो अपने दो नंबर लिए थे वो तो रैंडम मिडॉइड थे ना, क्या आप मेरे को गारंटी देते हो दे वर द बेस्ट मिडॉइड, नहीं। तो इसीलिए अब पिक्चर में क्या आता है, अब हमें तीसरा एक और मिडॉइड लेना है और उसको वापस कंपेयर करना है, तीसरा एक और मिडॉइड लेना और उसको कंपेयर करना और चेक करना है कि पिछला वाला ज्यादा अच्छा था कि अभी जो नया लिया है वो ज्यादा अच्छा है। तो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट वन ऑफ द नॉन मिडॉइड ओ डैश। तो इस बार मैं क्या करता हूं, अपना जो गिवन टेबल था, सम जो मेरा सवाल था, ये एक सेकेंड, ये जो मेरा सवाल था उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट वन ऑफ द नॉन मिडॉइड ओ डैश, लेट ओ डैश बी 7.3, दैट इज एक्स 7, तो एक्स 7 7.3 मैं लेता हूं, तो दो नंबर मैंने, एक और मैंने ले लिया 7.3, तो ये मेरा थर्ड मिडॉइड था। तो सिलेक्ट वन ऑफ द नॉन मिडॉइड, ये अभी मिडॉइड नहीं था ना, अभी तो मैंने इसको उठाया, तो लेट ओ डैश बी 7.3, दैट इज एक्स 7। तो अब हमें क्या करना है, एक बार आपने वो कर लिया, तो अभी आपको क्या करना है वापस पूरा कैलकुलेट करना है और टोटल कॉस्ट इन दो नए नंबर्स का निकालना है। तो जैसा तुम देख सकते हो, सो नाउ मिडॉइड्स आर 3.5 एंड 7.3, तो आपको 3.4 एंड 7.3, तो आपको 3.4 का भी वापस निकालना है और 7.3 का भी वापस निकालना है। तो आप पूछोगे सुमेर, 7.3 तो नया नंबर है तो उसका तो हम समझते निकालना है, लेकिन वापस 3.4 का क्यों निकालना है? तो भाई 3.4 का इसीलिए निकालना है क्योंकि जब पिछली बार आपने 3.4 का निकाला था ना, तो उसमें एक्स 8 नहीं था भाई, उसमें कौन था, एक्स 7 था। तो भाई वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, आप मेरे को इतना बताओ, बदलेगी ना, इसलिए आपको 3.4 का भी पूरा निकालना है, 7.3 का भी पूरा निकालना है। तो अभी आप देख सकते हो हम पहले 7.3 का निकाल रहे, तो अभी आपको क्या करना है, वापस से एक्स 1 एक्स 2 जो तो मेरा 3.4 था वो है, एक्स 4 एक्स 5 एक्स 6, अभी x7 हटेगा और x8 वापस आएगा, समझ रहे हो, x8 x9 x10, इतना क्लियर है। तो उसी तरह से सेकंड में भी ये सारी वैल्यू आएगी, 7.3 की जगह कौन आ जाएगा, 3.4, इतना क्लियर है, लेकिन वापस निकलेगा। तो सिंपल सा सम वही है जो अभी हम लोग कर रहे थे, मैनिटेंस से करो या फिर अपने तरीके से करो,
टू माइनस सेवन कितना होता है फाइव, और मतलब माइनस फाइव तो प्लस फाइव हो जाएगा मॉड से निकल के, और सिक्स माइनस थ्री होता है थ्री, तो फाइव प्लस थ्री एट, अभी सेवन माइनस थ्री फोर, और एट माइनस थ्री कितना होता है फाइव, एट माइनस थ्री फाइव होता है, सेवन माइनस थ्री फोर, तो ये मेरे को मिला नौ। उसी तरह से सेवन माइनस फोर होता है थ्री, और थ्री माइनस सेवन होता है, सेवन माइनस थ्री होता है फोर, तो सेवन माइनस सिक्स होता है वन, प्लस थ्री माइनस टू होता है वन, तो आई गॉट इट टू। सेवन माइनस सिक्स होता है वन, प्लस फोर माइनस थ्री होता है वन, आई गॉट इट अगेन टू। सेवन माइनस सेवन होता है जीरो, फोर माइनस थ्री होता है वन, तो आई गॉट इट वन। एट माइनस सेवन होता है वन, और फाइव माइनस थ्री होता है टू, तो आई गॉट इट थ्री। उसी तरह से सेवन माइनस सेवन होता है जीरो, और सिक्स माइनस थ्री होता है थ्री, सो आई गॉट इट थ्री। तो उसी तरह से एक बार आपने इसका निकाल लिया, तो अब मुझे थ्री कॉमा फोर का भी वापस निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया अपना थ्री कॉमा फोर का टेबल। तो जैसा तुम देख सकते हो उसमें एक्स सेवन था जो सेवन कॉमा थ्री था, लेकिन इसमें एक्स एट है सेवन कॉमा फोर, तो इसीलिए मुझे वापस पूरा बनाना पड़ेगा भाई। तो ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। टू माइनस थ्री कितना होता है माइनस वन, तो माइनस वन बाहर निकल के क्या होगा प्लस वन, और सिक्स माइनस फोर टू, तो बाहर निकल के टू ही होता है, तो वन प्लस टू कितना होता है थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, और एट माइनस फोर फोर, तो क्या मिला फोर। उसी तरह से फोर माइनस थ्री वन, प्लस सेवन माइनस फोर कितना होता है थ्री, तो आई गॉट इट फोर, फोर माइनस थ्री वन, सेवन माइनस फोर थ्री, सिक्स माइनस थ्री थ्री, फोर माइनस टू टू, तो मिला फाइव, सिक्स माइनस थ्री थ्री, फोर माइनस फोर जीरो, तो मिला थ्री, सेवन माइनस थ्री कितना होता है फोर, और फोर माइनस फोर जीरो, तो मुझे मिला फोर। उसी तरह से एट माइनस थ्री कितना होता है फाइव, और फाइव माइनस फोर कितना होता है वन, तो मुझे मिला सिक्स, सेवन माइनस थ्री फोर, सिक्स माइनस फोर टू, तो आई गॉट इट सिक्स। तो एक बार मैंने दोनों का वापस से मतलब कॉस्ट निकाल दिया, तो वापस हमें क्या करना है, कंपेयर द कॉस्ट ऑफ सी वन एंड कॉस्ट ऑफ ओ डैश फॉर एवरी आई एंड सिलेक्ट द मिनिमम वन। तो वापस हम क्या करेंगे, ये मेरा 3.4 है, वो मेरा 7.3 है, उनके कॉस्ट कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। तो चलो करते यहां आता बरोबर, तो 3.8 में 3, 4.9 में 4, 7.4 सॉरी ये और, तो एक बार मैंने कंपेयर कर लिया, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे वापस क्लस्टर बनाने। तो क्लस्टर कौन से होंगे, जैसे ये वाले में कौन से, 2.6, 3.8, 4.7 और 3.4, और इसमें क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे 6.2, 6.4, 7.4, 8.5, 7.6 और ये खुद को 7.3। तो जैसा तुम देख सकते हो, हमें दो क्लस्टर वापस मिल गए हैं, क्या मिले 3.4, 2.6, 3.8 एंड 4.7 और 7.3 और नीचे के सारे वैल्यू। ये कैसे मिले आपको पहले से पता है, और उसी के बेस पे मैं वापस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने का बहाना करता हूँ। लास्ट में लिखते क्या, जो अपने को कॉस्ट मिली है मिनिमम उनको ही लिखते। तो जैसा आप देखोगे कि वापस मैंने कॉस्ट निकाली, तो अब मुझे मिली है 22, पहले 20 मिली थी, अब मुझे वापस जब मैंने कॉस्ट निकाली तो मेरे को 22 मिली है। तो स्टेप फोर क्या, हमें क्या लिखना, अब हमें निकालना है स्वैपिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्वैपिंग मिडॉइड, जो मैंने मिडॉइड को बदला था, पहले तो हमने रैंडम रखा था, फिर अपन ने एक और बदला था ना कि चेक कर दे अपना वाला सही है कि आगे नया वाला सही है, तो उसकी भी कॉस्ट निकालते। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते, कुछ नहीं, जो अभी आपका लेटेस्ट कॉस्ट था वो है 22, माइनस करने का पुराने वाले जो कॉस्ट निकला था वो क्या था, पास टोटल कॉस्ट, तो पहले 20 था, और दोनों को कंपेयर करने का, जब मैं माइनस करता हूं तो अगर जो मेरा करंट अभी नया जो स्वैपिंग मिडॉइड का कॉस्ट है वो बड़ा है, मतलब समझ रहे हो क्या, पहले तो मेरे को मिनिमम मिल रहे थे, पहले मेरे क्लस्टर अच्छे थे, अब साला क्लस्टर में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 2 का, समझ रहे हो, विच इज ग्रेटर देन 2। तो सो मूविंग ओ डैश वुड बी अ बैड आइडिया, सो प्रीवियस चॉइस वॉज गुड, और यहाँ आपका जो सब है वो टर्मिनेट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है पता है, अभी सवाल मेन इसीलिए, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है आपको आंसर माइनस मिलेगा, तो अगर आपको माइनस मिला है तो आपको अभी क्या करना है, जो आपको पहले आपने दो लिए थे ना, कौन सा लिया था 7.4 और 3.4, तो अभी 7.4 को रिप्लेस करके 7.3 जो मेरा नया वाला वो सही है, और अब मुझे क्या करना है, एक और रैंडम वैल्यू लेनी है और वापस पूरा कैलकुलेट करना है, तब तक जब मेरे को सामने वाली चीज बड़ी ना मिल जाए, समझ रहे हो, जब तक आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तब तक आपको उसको कैलकुलेट करते रहना है।
ठीक है, आपके ये जो क्लस्टर्स है अभी सेम आए, आगे बदल भी सकते हैं। तो जब तक आपको नेगेटिव वैल्यू मिली तो आपको करते जाना है, एक बार पॉजिटिव मिल गई तो बोलेगा पिछला वाला भाई सही था, ये वाला साला ज्यादा बुरा रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए हम पिछला वाले ही रखेंगे और ये मेरे गिवन क्लस्टर है। तो समझ रहे हो, तो ये था के मीडोइड का एग्जांपल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। इसके पूरे मैंने नोट्स बनाए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएगी, किस तरह से आप हमारे डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग के नोट्स ले सकते हो। पूरे डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग के नोट्स हैं, प्रायरी एग्लोमरेटिव सारे के मीन वी मीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे हैंडमेड नोट्स है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बाकी तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगा तो शेयर करो दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।